WhatsApp sir. First of all, happy Diwali to all of you, and thank you so much for supporting me and giving me so much love. And आज की look specially मैंने create किया है for Diwali, because Diwali is around the corner now. Like अभी इसी week में Diwali है, and आप इस look को Diwali के ऊपर create कर सकते हैं, पूजा के time create कर सकते हैं, like किसी भी function के लिए create कर सकते हैं, wedding season में create कर सकते हैं, because जो आज की look है smoky and golden look, ये किसी भी dress के साथ चली जाती है, western के साथ भी, Indian के साथ भी. अगर आपको ये लुक अच्छी लग रही है, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और बहुत इजीली मैंने इस लुक को क्रिएट कर लिया है, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो. सो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है अपना वाओ से, वाओ स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश के साथ. एंड अभी मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, तो अपने फेस को मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी. But because of my acne, I'm going to use Good Vibes Tea Tree Essential Oil. And इसके साथ जो मेरे pimples हैं, acne हैं, वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे. और ये बिल्कुल non-sticky है, and फटाफट से absorb हो जाता है मेरे skin में. टू मिनट्स लगेंगे मेरे फेस को इसके साथ प्रेप होने में, तो टू मिनट्स के बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी. अब मैं अप्लाई कर लूँगी पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, एंड दिस इज़ वेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप है मॉइस्चराइजर, तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला, लाइक अच्छे से टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एंड आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं होगा. लिप्स के ऊपर मैं लगा लूंगी मेबेलिन बेबी लिप्स. बिकॉज वेदर अभी चेंज हो चुका है, तो ड्राइनेस हो रही है लिप्स के ऊपर भी, हैंड्स के ऊपर भी. एंड अभी मैं हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लूंगी दिस हैंड क्रीम फ्रॉम द फेस शॉप. एंड ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एंड इसमें ये ग्रीन टी वाला फ्रेग्रेंस है, इसमें वेरिएंट भी ग्रीन टी वाला है, तो इसका यू कैन सी द टेक्सचर एंड लाइट सा ग्रीन टी शेड है. एंड ये हैंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है, एंड काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है माइल्ड सी आपके हैंड से. एंड ओके, तो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया है मॉइस्चराइजेशन जो मेरी स्किन की, आईज की, लिप्स की. फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, यू कैन सी. एंड इसको मैं फिंगर के ऊपर ही ले लूंगी ऐसे, एंड अब डायरेक्टली अप्लाई कर लूंगी अपना नोज पे, चिन पे, बेसिकली जहां पे भी आपको ओपन पोर्स होते हैं वहां पे ओपन पोर्स, एंड इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से. इसी प्राइमर को मैं इतना सा लेके अपनी आईज के ऊपर भी अप्लाई कर लूंगी, यू कैन सी अंडर आई एंड अपनी आईलिड्स के ऊपर. अब मैं अप्लाई कर लूंगी अपना फाउंडेशन, एंड दिस इज मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर. एंड इसमें मेरा शेड है 0910 हेल, एंड ये एक पंप ट्यूब पंप पैकेजिंग के साथ आता है. चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ. अब मैं फेस की कंटूरिंग कर लूंगी, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कंटूरिंग पैलेट. एंड सबसे पहले मैं ले लूंगी इसका डार्क शेड, दिस शेड फ्रॉम दिस पैलेट. आई लव दिस प्रोडक्ट, इसने मेरे जो भी डार्क स्पॉट्स थे, अनइवन स्किन टोन थी, उसको अच्छे से इवन आउट कर दिया है. एंड आई एम लाइक लविंग दिस प्रोडक्ट, एंड इसको मैं सेकेंड टाइम यूज कर रही हूँ, और ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट.
For blusher, I am using Moda blusher. You can see, and this is the shade. Brown neutrals are shaded because I don't like so much blushing on my cheeks. So let this bit and इसे भी dust off करके. अब मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी विद दिस न्यू प्रोडक्ट. एक्चुअली न्यू फॉर मी, ड्रैगन्स हार्ट हाइलाइटर एंड योर फेस एंड आईज. एंड दिस इज फ्रॉम मेबल मेकअप रेवोल्यूशन एंड यू कैन सी मल्टी कलर. एक्चुअली आई लाइक दिस प्रोडक्ट. You can see the natural shine and glow on my face. अब मैं अपने eyebrows को set कर लूँगी with my all time favorite Wet n Wild pen eyebrow pencil. अब मैं अपने आईब्राउज को एक बार से सेट कर लूंगी दोबारा से विद दिस NYX आईब्राउ मस्कारा एंड लिटिल बिट प्रोडक्ट. अब मैं स्टार्ट कर लूँगी अपना आई मेकअप. बट उससे पहले मैं यूज़ कर लूँगी लैक्मे 925 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर इन्फ्यूज विद एलोवेरा एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स. एंड अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर लूँगी ताकि कुछ भी फॉल आउट्स हो गए तो मेरा फाउंडेशन वहीं के वहीं रहेगा खराब. For my eyes making, I'm using Revolution makeup in makeup Revolution की this palette. It's called Reloaded Velvet Rose palette. And इससे पहले मैं use करूँगी this brown shade to build a crease. And I'm using fluffy brush from Wet n Wild. इसके साथ मैं यूज़ कर लूँगी दिस किट फ्रॉम NK बर्थडे केक निका के. एक्चुअली दिस इज़ द ब्रांड निका के एंड इसमें दिस इज़ क्वार्टर प्लेट पैलेट फ्रॉम लाइक नेम्ड बर्थडे केक. एंड इसमें मैं यूज़ कर लूँगी दिस शेड, दिस ब्राइट येलो शेड एंड विद दिस. अभी मैं ब्लेंड कर लूँगी सब कलर को विद दिस शेड जिससे मैंने अपनी क्रीज डेवलप की थी एंड उसी शेड को दोबारा से लेके
अब मैं अपनी लोअर वाटर लाइन भी अप्लाई कर लूँगी पर्पल का स्मोकी डोकी काजल इन ब्लैक एंड दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मज प्रूफ काजल। इनर वाटर लाइन पे भी आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा। इसी के साथ आपको स्मजर मिल जाता है तो आप इसके साथ स्मज कर सकते हैं अपनी काजल को। जैसे एक नेचुरल एंड ब्लेंडेड सी लुक का है। अब मैं अप्लाई कर लूंगी अपना मस्कारा एंड उससे पहले अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। एंड आई एम यूजिंग दिस मस्कारा फ्रॉम Maybelline न्यू यॉर्क द हाइपर कर्ल लिमिटेड एडिशन मस्कारा। Now I'm going to apply this false eyelashes from Nykaa and you can see. अब मैं false eyelashes को और अपनी natural eyelashes को merge कर लूँगी again एक coat of mascara के साथ। For some extra bling, I'm going to use Stay Quirky Gold Eyeliner and इसे मैं apply करूँगी अपना crease area पे like this. सेम पर्पल की ब्लैक काजल से ही मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी। एंड स्मजर ब्रश के साथ स्मज कर लूंगी। अब मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूंगी लॉक कर लूंगी विद दिस रेवोल्यूशन मेकअप फिक्स मैट फिक्स ऑयल कंट्रोल फिक्सिंग स्प्रे एंड इसे मैंने पहले भी यूज किया है। इसके साथ आपका मेकअप 7 to 8 hours तक कहीं नहीं जाता, बिल्कुल आपके फेस के ऊपर अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं अप्लाई कर लूंगी अपनी लिपस्टिक एंड लिप बाम को रिमूव करके यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिप लाइनर। And
And for lipstick, I'm going to use Darling Isabella. You can see number 2, Pretty Pink Royalty. You can see here. And this is the bullet lipstick. Okay, this is the final look and मैंने अपना dress पहना है जो मैंने Flipkart से order किया था और मैंने आपके साथ share किया था Flipkart Myntra haul. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो please ज़रूर से देखिए वो video and जो accessory यहाँ पे मैंने accessories की है इसको भी मैंने Flipkart से ही order किया था and this जो ring मैंने पहना ये local market से मैंने purchase किया था. एक जो मैंने मांग टीका एंड ईयरिंग्स डाले थे वो मैंने मिंत्रा से परचेज किए थे. सभी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, बट प्लीज़ कुछ तो कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए एंड अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए. कमेंट डाउन कीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा. आई विल नॉट से कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा वो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिए. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ओके बाय एंड आई लव यू सो मच. जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको आई लव यू सो 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 मच. एंड दिवाली को अच्छे से मनाइए एंड खुशियाँ बांटिए एंड सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड ओके बाय.